आज का हमारा टॉपिक है फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, शॉर्ट में आपको इस ये FEDAI फेडाई लिखा मिलेगा। ठीक है, तो इसको देखते हैं हम, ये क्या चीज़ है। आपने जो फेमा पढ़ा था तो आपको याद होगा, आपने एक वर्ड, आपने एक टर्म सुना था, ऑथराइज डीलर्स, है ना। वो डीलर्स जिन्हें हम क्या करते हैं, अधिकार देते हैं, उन्हें ऑथराइज कर देते हैं फॉरेन एक्सचेंज में डील करने के लिए, क्योंकि ऐसे कोई भी इंडिविजुअल जाके मार्केट में डील नहीं कर सकता। अगर सपोज आप एक्सपोर्टर हो, आप कोई सामान, आपने कोई सामान बेचा, ठीक है, और अमेरिका में कोई व्यक्ति है, उसने वो सामान खरीदा, तो उस कंडीशन में उस गुड्स के लिए आप एक्सपोर्टर हो गए और वो जो पर्सन है अमेरिकन है वो क्या हो गया, वो इम्पोर्टर हो गया। अब उसे पेमेंट करना है आपकी करेंसी में, क्योंकि आप यहाँ पर भारत में तो रुपीस चल रहा है, इंडियन रुपी, तो उसे पेमेंट किस में करनी पड़ेगी, रुपीस में करनी पड़ेगी। पर अगर हम देखें वो अमेरिका का निवासी है तो उसके पास क्या होगा, उसके पास तो डॉलर होंगे ना, रुपीस तो होगा नहीं, तो उसे क्या करना पड़ेगा, उसको एक्सचेंज कराना पड़ेगा डॉलर को रुपीस में। तो वो कैसे एक्सचेंज कराएगा, क्या वो आपको सीधे डॉलर दे देगा, नहीं, वो क्या करेगा, अपने जो उसका कंट्री है अमेरिका है, वहाँ जो बैंक ऑथराइज होंगे या ऑथराइज डीलर्स के तौर पे काम कर रहे होंगे, उन्हें कॉन्टैक्ट करेगा या वहाँ की सेंट्रल बैंक को कॉन्टैक्ट करेगा कि उसे इतने इतने का पेमेंट करना है और उसको डॉलर्स के बदले में रुपीस चाहिए। सपोज़ 5 लाख का सामान था, तो अगर आप ये मान लो कि एक्सचेंज रेट चल रहा है $1 = 50 रुपीज़, तो उसे कितना पेमेंट करना पड़ेगा, $10,000 का पेमेंट करना पड़ेगा, राइट। अगर 5 लाख का पेमेंट करना है और 50 रुपीज़ का $1 है, ठीक है, 5 लाख का पेमेंट करना है और 50 रुपीज़ का $1 है, तो कैसे निकलेगा, 5 लाख / 50, तो क्या आंसर आया, 10,000। तो उसे कितने डॉलर देने पड़ेंगे बैंक को, $10,000 देने पड़ेंगे। अब वहाँ जो बैंक था उसने $10,000 उससे ले लिए और उससे बोला कि ठीक है मैं आपको 5 लाख रुपीज़ का पेमेंट करूँगा, या जो आपको जिसको पेमेंट करना है इंडिया में, मैं उनको पेमेंट कर दूँगा। तो अब ऑब्वियस सी बात है, अमेरिका का बैंक है तो उसके भी डिपॉजिट्स जो उसके पास आते होंगे या उसके पास जो रिजर्व होगा, क्या वो रुपीज़ का होगा, नहीं, उसके पास भी तो डॉलर ही होगा ना। जब अमेरिका का बैंक है तो उसके पास भी डॉलर होगा, ऑब्वियस सी बात है, वहाँ की करेंसी ही वही है। ये हो सकता है कि उसने थोड़ा बहुत फॉरेन करेंसी का रिजर्व बना के रखा हो, तो उसके पास थोड़े बहुत रुपीज़ भी हों, लेकिन वो रिजर्व तो यूज़ करेगा नहीं, तो वो क्या करेगा, वो यहाँ के बैंक को कॉन्टैक्ट करेगा। अमेरिका का बैंक क्या करेगा, यहाँ के बैंक को कॉन्टैक्ट करेगा और उसके बाद वो क्या करेंगे, आपस में डील फाइनल करेंगे। तो ये जो बैंक, ये जो ऑथराइज कर दिया जाता है जिन बैंक्स को, वो क्या कहलाते हैं, ऑथराइज डीलर्स कहलाते हैं। तो जो इनकी जो एसोसिएशन बनाई गई है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं फेडाई। अच्छा, तो ये एसोसिएशन हम दो तरीके से देखेंगे। अभी का हमारा पहला टॉपिक है वो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, है ना। इसके बाद वाला जो टॉपिक है वो वर्ल्ड वाइड है, तो पहले हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देख लेते हैं। हमारा जो एसोसिएशन का नाम है वो क्या है, फेडाई, जिसका फुल फॉर्म है फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया। अच्छा, इट इज़ एन एसोसिएशन ऑफ कॉमर्शियल बैंक्स दैट स्पेशलाइजेज इन द फॉरेक्स मार्केट इन इंडिया। हम किसकी बात कर रहे हैं, हम इंडिया की बात कर रहे हैं, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं। इंडिया में जितने भी ऑथराइज डीलर्स हैं, जिन कॉमर्शियल बैंक्स को ये ऑथराइजेशन दिया है, किसने दिया है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने दिया है, सेंट्रल बैंक ने दिया है, क्योंकि गवर्निंग बॉडी तो वही है। तो उसने जिन बैंक्स को ये ऑथराइजेशन दिया हुआ है, ये अधिकार दिया हुआ है, उनका मिलाकर एक एसोसिएशन है, जिसे हम क्या कहते हैं, फेडाई कहते हैं, या फिर फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया कहते हैं। ठीक है, देखिए लिखा भी है इसमें, दीज इंस्टीट्यूशंस आर आल्सो कॉल्ड ऑथराइज डीलर्स और ADs, है ना। इन्हीं जो, यही जो आपके इंस्टीट्यूशंस हैं, कॉमर्शियल बैंक्स हैं, जो डील कर रहे हैं फॉरेन एक्सचेंज में RBI की परमिशन के बाद, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं ऑथराइज डीलर्स, या फिर शॉर्ट में ADs। ठीक है, अच्छा, ये एसोसिएशन बना कब था, ये डेट याद रखिएगा, क्रिएटेड इन 1958। इस एसोसिएशन का एस्टेब्लिशमेंट कब का है, 1958 का है। ठीक है, 1958 में इस एसोसिएशन को बनाया गया था। ये ईयर याद रखिएगा फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ MCQs में ये पूछा जा सकता है। ठीक है, एंड इनकॉर्पोरेटेड अंडर द इंडियन लॉ के अंतर्गत इसे बनाया गया है ना। कौन सा लॉ है, सेक्शन 25 ऑफ द कंपनीज एक्ट 1956। इस एसोसिएशन को जिस
लॉ के तहत बनाया गया है, जिस अधिनियम के तहत बनाया गया है उसका नाम क्या है, द कंपनीज एक्ट ऑफ 1956। आपको पता होगा 2013 से पहले हमारे देश में जो कंपनीज एक्ट चलता था, जो कंपनीज एक्ट लागू होता था वो कौन सा था, 1956 का एक्ट था। और इसी अधिनियम के तहत, इसी एक्ट को आधार बना के हमने इस एसोसिएशन को बनाया है, और इसकी सेक्शन जो 25 है इसका, उसके तहत हमने इसको बनाया है, किसको, फिडाई को, है ना। और ये कब बनाया गया है, 1958 में बनाया गया है। द एसोसिएशन रेगुलेट्स द रूल्स दैट डिटरमाइन कमीशंस फीस चार्जेस दैट आर अटैच्ड टू द इंटर बैंक फॉरेन एक्सचेंज बिजनेस। अच्छा, अभी इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैंने एक एग्जांपल आपको दिया था, वो एग्जांपल देने का रीज़न था इंटर बैंक को समझाना। यहाँ पे एक वर्ड आपको दिख रहा होगा रेड से लिखा, इंटर बैंक। तो ये इंटर बैंक क्या होता है, इंटर बैंक ट्रांजेक्शन क्या होता है, या फिर इंटर बैंक रेट्स क्या होते हैं, ये समझना ज़रूरी है, क्योंकि आपका ये जो एसोसिएशंस हैं ये इंटर बैंक लेवल पे ही काम करते हैं, ठीक है। तो जो मैंने एग्जांपल दिया था, हम वापस से उस एग्जांपल पे आते हैं। आप एक्सपोर्टर हो, अमेरिका का जो एक पर्सन है वो इम्पोर्टर है, और आपको उसे पेमेंट करना है, तो उसने क्या किया, अपने डॉलर्स, $10,000 अपने बैंक को दिए, और उस वहाँ से उसने क्या अरेंज करने को बोला, 5 लाख रुपीज़ अरेंज करने को बोला। तो जो अमेरिका का बैंक है उसके पास ज़रूरी तो नहीं है रिजर्व में इतना इंडियन रुपी पड़ा हो, है ना। वो क्या करेगा, वो अरेंज करेगा, कहाँ से करेगा, इंडिया के किसी बैंक से करेगा, क्योंकि इंडियन रुपी कहाँ से मिलेगा उसे, इंडिया के बैंक से मिलेगा। तो अमेरिका का बैंक क्या करेगा, इंडियन बैंक को कॉन्टैक्ट करेगा और उससे कहेगा कि $10,000 के बदले मुझे 5 लाख रुपीज़ चाहिए हैं, और आप इसको अरेंज कर दो, और इंडिया का बैंक उसे इजीली अरेंज कर देगा, क्योंकि इंडिया का बैंक है तो उसके पास तो रुपीज़ होंगे ही। तो जब दो बैंक्स के बीच में डीलिंग हो रही है, फॉरेन एक्सचेंज की डीलिंग किसके बीच में हो रही है, वैसे तो इंपोर्टर और एक्सपोर्टर इंडिविजुअल्स हैं, आप इंडिविजुअल हो, जिसको आपने सामान बेचा है वो भी इंडिविजुअल है, लेकिन आप दोनों के बीच में जो डील फाइनल हुई है उसको पूरा रन करने के लिए, पूरा प्रोसेस करने के लिए जब करेंसी की ज़रूरत पड़ी, जब फॉरेन एक्सचेंज की ज़रूरत पड़ी, तो क्या करना पड़ा, दो बैंक्स को इन्वॉल्व करना पड़ा, है ना, दो अलग अलग कंट्रीज़ के दो बैंक्स को इन्वॉल्व करना पड़ा। और जब उन दोनों बैंक्स के बीच में डीलिंग हुई तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं हम इंटर बैंक डीलिंग या इंटर बैंक ट्रांजेक्शन। ये टर्म आपको फॉरेन एक्सचेंज में कई जगह, बुक में कई जगह देखने को मिलेगा, जैसे कहीं पर लिखा होता है इंटर बैंक मार्केट। तो जब काफ़ी सारे इस तरह के बैंक्स का जो एक मार्केट होता है जहाँ पे यही दोनों बैंक्स डील करते हैं, या इंडिविजुअल्स ट्रेडर्स डील नहीं करते हैं, यहाँ पे कौन डील कर रहा है, दो बैंक्स आपस में डील कर रहे हैं, और किसकी डील कर रहे हैं, फॉरेन एक्सचेंज की डील कर रहे हैं, फॉरेन करेंसी की डील कर रहे हैं, ना, एक बैंक ले रहा है और दूसरा बैंक दे रहा है, एक बैंक परचेज कर रहा है, दूसरा बैंक सेल कर रहा है। तो इस तरह का जो मार्केट होता है उसे हम कहते हैं इंटर बैंक मार्केट। इन दोनों के बीच में जो ट्रांजेक्शन होता है उसे हम कहते हैं इंटर बैंक ट्रांजेक्शन। और ये दोनों बैंक जिस रेट पे ट्रांजेक्शन फाइनल करते हैं, जिस रेट पे डीलिंग करते हैं, उसे कहते हैं इंटर बैंक रेट। ठीक है, समझ में आ गया, इंटर बैंक मार्केट, इंटर बैंक ट्रांजेक्शन, इंटर बैंक रेट। अच्छा, तो जो आपका ये एसोसिएशन है ये किस लेवल पे काम करता है, ये इंटर बैंक लेवल पे काम करता है। का मतलब है ये एक ऐसा एसोसिएशन है जहाँ पे आपके सिर्फ ADs इन्वॉल्व होते हैं, है ना, जो आपके कॉमर्शियल बैंक्स हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, ऑथराइज डीलर्स इन्वॉल्व होते हैं, क्लियर। इसीलिए इस जो एसोसिएशन का नाम है वो क्या है, फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, है ना। सिर्फ हम डीलर्स की बात कर रहे हैं जो कि कॉमर्शियल बैंक हैं, इसीलिए ये किस तरह का एसोसिएशन है, इंटर बैंक लेवल पे काम करने वाला एक एसोसिएशन है, ठीक है। अब हम इसको कुछ पॉइंट्स में देख लेते हैं जिससे आपको समझने में आसानी होगी। पहला तो ये चीज़ ध्यान रखिए, इसके फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा, पहली चीज़ फेडाई, फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, ठीक है। दूसरी चीज़, जो दूसरा पॉइंट इम्पॉर्टेंट है याद रखने वाला, वो है इसका फॉर्मेशन ईयर, इसका फॉर्मेशन कब हुआ था, इसका एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ था, ये आपको ध्यान में रखना है। तो वो है 1958, किसके तहत हुआ था, कंपनीज एक्ट 1956 की के सेक्शन 25 के तहत इसका फॉर्मेशन किया गया था, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट पे आइए, जो आपका फेडाई है, फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, वो सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी है, सेल्फ रेगुलेटिंग ऑर्गेनाइजेशन है, या सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी है। क्या मतलब हुआ इसका, इसका मतलब हुआ कि इस पर जो रेगुलेशन चलता है, जो इसको गवर्न करने वाली जो पावर है, वो खुद इसी के पास में है,
है ना, इसको कौन रेगुलेट कर रहा है, ये खुद रेगुलेट कर रही है, ये खुद ही सारे रूल्स एंड रेगुलेशन बना रही है, ठीक है। इसीलिए लिखा गया है फिडाई इज अ सेल्फ रेगुलेटिंग ऑर्गेनाइजेशन दैट फॉर्म्यूलेट्स रूल्स अराउंड इंडियन इंटरबैंक फॉरेक्स डीलिंग। अब ये इंटरबैंक लेवल पे काम करती है, तो ऑब्वियस सी बात है ये जितने भी रूल्स फॉर्म्यूलेट करेगी वो किसके लिए करेगी, इंटरबैंक फॉरेक्स डीलिंग के लिए करेगी। हम यहाँ पर जिसकी जितनी भी बात कर रहे हैं वो किसकी कर रहे हैं, फॉरेक्स डीलिंग की कर रहे हैं, और क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन इंटरबैंक है तो इंटरबैंक फॉरेक्स डीलिंग, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे आइए, सम कोर फंक्शंस ऑफ फिडाई इंक्लूड्स एडवाइजिंग एंड सपोर्टिंग मेंबर बैंक्स। ऑब्वियस ही बात है जब ये ऑर्गेनाइजेशन एक तरह का एसोसिएशन है तो इसमें कुछ मेंबर होंगे, है ना, जो इसमें एडीज के तौर पे काम कर रहे होंगे वो क्या होंगे, वो इसके मेंबर्स होंगे, तो उनको सपोर्ट करने का, उनको एडवाइस करने का, अगर किसी तरह का उनके पास कोई ट्रांजेक्शन आया है वो डिसीजन नहीं कर पा रहे हैं या उनको किसी भी तरह का कोई एडवाइस चाहिए है, तो क्या करता है, एडवाइस करने का काम करता है अपने मेंबर्स को, ठीक है। रिप्रेजेंटिंग मेंबर बैंक ऑन द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो आपके मेंबर बैंक्स हैं अगर उनको रिप्रेजेंट करने की बात आती है तो ये उनको रिप्रेजेंट भी करता है, किसके सामने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के सामने। एंड अनाउंसिंग रेट टू मेंबर बैंक्स, और तीसरा काम क्या करता है, इंटरेस्ट रेट जो आपके होते हैं, इंटरेस्ट रेट्स कह लो या आप कह सकते हो चार्जेस ऑफ फीस, क्योंकि जो ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं कोई भी बैंक फ्री में तो करेगा नहीं, अगर आप कहते हो कि ठीक है आप $10,000 के बदले में 5 लाख रुपीस का आप अरेंजमेंट कर दीजिए, एक बैंक दूसरे बैंक से कहता है, बैंकिंग इंडस्ट्री क्या है, एक तरह का बिजनेस है ना, तो जब हम बिजनेस की बात करते हैं तो बिजनेस है तो मीन्स वहाँ पे आ गया प्रॉफिट, तो प्रॉफिट के लिए वो क्या करता है, वो कहता है कि ठीक है मैं कर दूंगा पर मुझे इस पर इतना इतना कमीशन चाहिए या इतना इतना मुझे इस पर इतनी इतनी फीस चाहिए, चार्जेस लगेंगे, है ना, तो उन चार्जेस का रेट क्या होगा, कौन बैंक किस बैंक से कितना चार्ज करेगा, है ना, वो रेट्स क्या होंगे, कितने टाइम के लिए होगा, ये सारी चीज़ें कौन फाइनल करता है, फिडाई फाइनल करता है, ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया। तो कौन कौन से काम कर रहा है, पहला तो एडवाइस करने का काम करता है मेंबर बैंक्स को, दूसरा मेंबर बैंक्स को रिप्रेजेंट करने का काम करता है, और तीसरा मेंबर बैंक्स के लिए जितने भी रेट्स होते हैं, चाहे वो फीस हो, चाहे चार्जेस हो, चाहे कमीशन हो, उन सबके रेट्स को फाइनल करने का काम भी करता है फिडाई। हम आते हैं लास्ट पॉइंट पे, फिडाई ऑल्सो हेल्प स्टेबलाइज मार्केट्स थ्रू इट्स कॉपरेशन विद द RBI एंड फिक्स्ड इनकम मनी मार्केट एंड डेरिवेटिव्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया। जो बाकी की ऑर्गेनाइजेशंस हैं आपकी, जैसे कि जो सबसे एपेक्स बॉडी है फॉरेन एक्सचेंज में को मैनेज करने के लिए या फॉरेन एक्सचेंज की डीलिंग के लिए, वो कौन सी है, RBI है, आपका सेंट्रल बैंक है ना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो सबसे पहले तो वो उसके साथ मिलकर, और उसके अलावा बाकी की कुछ ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन सी, जैसे कि आपकी मनी मार्केट हो गई या आपका डेरिवेटिव्स एसोसिएशन हो गया, इनके साथ मिलकर वो क्या करती है, मार्केट को स्टेबलाइज करने का काम करती है, उसमें स्थायित्व लाने का काम करती है। आपका जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है वो कैसा होता है, फ्लक्चुएटिंग नेचर का होता है ना, बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस होते रहते हैं, इसी वजह से उसमें रिस्क भी काफ़ी ज़्यादा होता है, तो उन फ्लक्चुएशंस को एलिमिनेट करने का और आपके मार्केट को स्टेबलाइज करने का काम करती है फिडाई, ठीक है। तो ये आपके सारे फिडाई के हो गए फंक्शंस। तो आप ये कुछ पॉइंट्स याद रखिएगा, पहले तो आपको इसका फुल फॉर्म याद रखना है, उसके बाद आपको इसका फॉर्मेशन ईयर याद रखना है 1958, फिर आपको याद रखना है कि ये किस तरह की ऑर्गेनाइजेशन है, SRO है, सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी है, सेल्फ रेगुलेटिंग ऑर्गेनाइजेशन है, और उसके बाद आपको इसके फंक्शंस याद रखने हैं, एडवाइस करती है, सपोर्ट करती है मेंबर्स को, मेंबर्स को रिप्रेजेंट करती है, मेंबर्स के लिए चार्जेस फाइनलाइज करती है, और स्टेबलाइजेशन का काम करती है, मार्केट में स्थायित्व लाती है, जो आपका विदेशी विनिमय बाजार है उसमें स्थायित्व लाती है, ठीक है। उसके बाद देखिए लास्ट में कंक्लूजन के तौर पे आप लिख सकते हो, द फिडाई डिटरमाइंस मैनी ऑफ द रूल्स दैट ओवरसीज द डे टू डे फॉरेक्स ट्रांजेक्शन ऑफ इंडिया, इन एडिशन क्रिएटिंग रूल्स फिडाई असिस्ट मेंबर बैंक्स बाय एक्टिंग एज एन एडवाइजर ट्रेनिंग पर्सोनल about foreign exchange business and accrediting foreign exchange broker, ठीक है। तो ये अपने members को advise भी करती है, support भी करती है, train भी करती है ना, ये सारे काम ये क्या करती है, फिडाई करती है, और rules भी बनाती है brokers के लिए और बाकी members के लिए।
बाकी ये यहाँ पर ऊपर आपको जो फंक्शंस लिख के दिए थे ये बहुत ही समराइज करके लिखे थे, ये थोड़ा सा यहाँ पे डिटेलिंग कर दी है। सब कुछ वही है, एडवाइस करने का काम करती है, सपोर्ट करने का काम करती है अपने मेंबर्स को, फिर दूसरा है रिप्रेजेंट करने का काम करती है, तीसरा अनाउंस करती है आपके मेंबर्स बैंक के लिए जो भी रेट्स होते हैं, चाहे वो इंटरेस्ट रेट हो चाहे वो किसी भी तरह का फीस हो चार्जेस हो, उसके अलावा रूल्स बनाती है, गाइडलाइंस बनाती है। जो आपके बैंक पर्सोनल होते हैं, बैंक पर्सोनल जो आपके जो आपका एचआर होता है ना, एम्प्लॉयज़ होते हैं बैंक के, उनको ट्रेन करने का काम करती है फॉरेन एक्सचेंज बिजनेस में, उनको ट्रेन करने का काम करती है। और ब्रोकर्स के लिए भी क्या करती है, ब्रोकर्स को भी एक तरह से रेगुलेट करती है, उनके लिए भी नियम कानून बनाती है। ठीक है, तो ये उस फेडाई के कुछ फंक्शंस हो गए। ओके, बाकी कुछ इसमें ऐसा इम्पोर्टेंट नहीं है, बस यही कुछ पॉइंट्स ध्यान रखिएगा। 1958 में बना था, एक्ट का नाम था कंपनीज एक्ट 1956, सेक्शन था 25। ठीक है,